मेरा नाम बालकृष्ण सोना, होटल पिकाडिली से। आज मैं हलवा का केक बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए जो सामग्री चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग ये ब्रेड स्लाइस कर काट के रखे हैं, जंबो ब्रेड का। और उसके बाद शुगर सिरप बना के रखे हुए हैं। उनके बाद हमारा ये रबड़ी तैयार है और गार्निशिंग के लिए है गाजर हलवा, फिर जैम है, लौकी हलवा है और हमारे ये मूंग दाल हलवा। और उसके लिए थोड़ा छेना भी चाहिए, इसलिए रसमलाई का टिकिया है और राजभोग है, उसको हम कटिंग करके उसमें डालेंगे। उसके बाद मिल्क पाउडर भी थोड़ा लगेगा। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको घी का यूज़ करेंगे उसको फ्राई करने के लिए। तो आइए हम उसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और उसको थोड़ा ऑन तेज करेंगे ताकि वो थोड़ा जल्दी हीट हो जाए, ताकि वो फ्राई करने में आसान हो। जो हम ये ब्रेड स्लाइस जो ये ब्रेड हम लोग स्लाइस काट के रखे हैं, उसको पहले घी में फ्राई करना पड़ता है। उसके बाद उसको चाशनी में डिप करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, हीट हो चुका है, हम उसमें ये फ्राई कर रहे हैं। इसको पीछे से आगे से दोनों तरफ से फ्राई करना होता है। उसको ब्राउन करना है हमको सबसे पहले। पाँच मिनट लगता है इसको फ्राई करने में। हम तीनों ब्रेड स्लाइस को उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद उसको बनाएंगे हम हलवा केक। एक देखिए कितना मस्त ब्राउन कलर में आ रहा है उसका शेप, फ्राई होते जा रहा है। तो मस्त कलर आया है उसका। ये फ्राई हो चुका है लगभग। हम इसको तीन को ऐसे ही करेंगे। ये हमारा जो फ्राई हुआ ब्रेड स्लाइस, हम इसको अभी चाशनी में डीप करेंगे। ये हमारा शुगर सिरप पहले से ही बन के तैयार था, तो हम इसको पहले इसमें डीप करेंगे। उसके बाद हम इसको निकालेंगे ताकि इसमें अच्छा से एडजस्ट होने के बाद सिरप। ये सिरप एग्जॉब कर लिया है ब्रेड ने। अब हम इसको रखेंगे और केक बनाएंगे। अब ब्रेड उसमें चाशनी में डीप करने के बाद केक के लिए हम उसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम इसमें जैम डालेंगे, फ्रूट जैम है। इसके बाद हल्का मिल्क पाउडर, इसके ऊपर में हम लोग ये देखिए गाजर हलवा पहले से हम बना के रेडी करके रखे हैं, उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ये रबड़ी है, थोड़ा सा हम ये रबड़ी डालेंगे। उसके बाद हम इसको रख देते, फिर हम ये दूसरा वाला स्लाइस ले रहे हैं, इसके ऊपर रख रहे हैं। उसके बाद हम
इसमें थोड़ा सा राबड़ी डाल रहे हैं। राबड़ी डालने के बाद मूंग दाल का हलवा है ये, हम इसके ऊपर डालेंगे। ये मूंग दाल का हलवा है। मूंग दाल हलवा के ऊपर हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट उसके ऊपर यूज करेंगे और इलायची पाउडर यूज करेंगे। ये थोड़ा गार्निशिंग के लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट भी उसके ऊपर यूज करेंगे और थोड़ा सा किशमिश भी यूज करेंगे। ये इलायची पाउडर भी तो इसमें डालेंगे ताकि उसका जो टेस्ट है बरकरार रहे, अच्छा लगे, इसलिए इलायची पाउडर डाला जा रहा है। उसके बाद हम थर्ड लेयर डाल रहे हैं। फिर से वही थोड़ा सा थिकनेस रबड़ी डालेंगे। थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़ा उसमें छेना यूज करेंगे। यह है राजभोग का कटी हुई पीस। इसके बाद रसमलाई का टिकिया है जो छेना वाला है, पहले से हम लोग को तैयार करके रखे थे, ठेला गया। इसके ऊपर हल्का सा फिर से हम इलायची पाउडर डालेंगे। उसके बाद फिर हल्का सा राबड़ी डालेंगे। इसके बाद हम डाल रहे हैं लौकी का हलवा। ये पहले से हम बना के रेडी करके रखे थे। ये है लौकी का हलवा, हम इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद फिर से हम वही छेना का टुकड़ा जो है राजभोग का टुकड़ा है उसी को डालेंगे और रसमलाई का जो टिकिया बनाए थे छेना वाला उसी को डालेंगे। उसके बाद हम फिर ये चौथा लेयर है जो उसके ऊपर डालेंगे। उससे पहले हम फिर से रबड़ी ऊपर डालेंगे। उसको दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये रायपुर में पहली बार बन रहा है ऐसा डिश हमारा होटल पिकाडेली में। एक बार ज़रूर आइए और टेस्ट करिए हमारा हलवा केक। ये देखिए अच्छा से थोड़ा राबड़ी डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट डालेंगे। उसके बाद लास्ट लेयर, ये देखिए लास्ट लेयर डाल दिए। ये हो गया हमारा हलवा केक। उसके ऊपर में हम थोड़ा सा और रबड़ी का यूज करेंगे। बहुत टेस्टी बनता है हमारे यहाँ होटल पिकाडेली में। एक बार ज़रूर आइए और खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। फेमस डिश है हमारा होटल पिकाडेली का। एक बार ज़रूर आइए, ज़रूर टेस्ट करिए। हम उसके ऊपर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा किशमिश डाल देते हैं।
थोड़ा बादाम पिस्ता डाल देते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे, इसके लिए हमको प्लेटर चाहिए। हलवा केक बनके तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है, खाने में बहुत बढ़िया लगता है सर। एक बार हमारा होटल पिकाडिली में आइए और टेस्ट ज़रूर करिए।